जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं बैंक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन राकेश कुमार प्रजापति उपायुक्त हमीरपुर की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने वर्ष 2018-19 के लिए जिला ऋण योजना का भी अनुमोदन किया। उपायुक्त ने जिले की सीडी अनुपात बढ़ाने के लिए ऋण आवंटन में तेजी लाने तथा समयबद्ध लक्ष्य प्राप्ति 100% वित्तीय समावेश तथा बैंक ऋण लेने हेतु जनता को प्रेरित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी बैंक खाता धारकों को आधार से लिंक करना सुनिश्चित करें और डिजिटल इंडिया को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने वित्तीय साक्षरता शिविर लगाने का भी बैंकों से आग्रह किया ताकि ऑनलाइन फ्रॉड से खाताधारक बच सकें। बैठक में पंजाब नेशनल बैंक हमीरपुर मंडल के मंडल प्रमुख सुबोध काला, मुख्य अग्रणीय जिला प्रबंधक गुरचरण भट्टी, आरबीआई प्रबंधक पुष्क पावा, संत पाल चौधरी जिला विकास प्रबंधक और परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण हमीरपुर सुनील चंदेल सहित सभी बैंकों वित्तीय विभागों के जिला समन्वयकों सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में वर्ष 2017-18 की वार्षिक ऋण योजना की तृतीय तिमाही की उपलब्धियों पर विचार विमर्श किया गया, साथ जिसके अंतर्गत वर्ष 2017-18 के लक्ष्य 1,270.33 करोड़ के मुकाबले तृतीय तिमाही तक 780 करोड़ की उपलब्धि दर्ज की गई, जो कि वार्षिक लक्ष्य का 61% रही। तृतीय तिमाही के अंत में सभी बैंकों का जमा 8,199 करोड़ रहा और सभी बैंकों का इस तिहाई के अंत तक 2,001 करोड़ के ऋण थे तथा ऋण जमा अनुपात 24.40% रहा। बैठक को मुख्य अग्रणीय जिला प्रबंधक गुरुचरण भट्टी ने भी संबोधित किया। उन्होंने सभी बैंकों एवं वित्तीय विभागों को निर्धारित लक्ष्यों को चरणबद्ध एवं त्रैमासिक आधार पर पूरा करने हेतु मिलकर प्रयास करने तथा सीडी अनुपात बढ़ाने में सहयोग करने का आग्रह किया। बैठक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आधार आधारित अनुभुगतान और ऋण जमा अनुदान पर गठित सब कमेटियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के ऋण जमा अनुपात बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की गई। बैंक में पीएनबी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के निदेशक रवि शर्मा ने वर्ष 2017-18 की तृतीय तिमाही प्रगति एवं अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में वर्ष 2018-19 के लिए आयोजित किए जाने वाले वार्षिक एक्शन प्लान का भी अनुमोदन किया गया। अंत में मुख्य अग्रणीय जिला प्रबंधक गुरुचरण भट्टी ने बैठक में उपस्थित राकेश कुमार प्रजापति, उपायुक्त हमीरपुर मंडल प्रमुख सुबोध काला, रिजर्व बैंक पुष्कर पावा सहित सभी बैंकों और वित्तीय विभागों के जिला समन्वयकों सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का धन्यवाद भी किया।